कई ऐसे बिल्डर्स हैं जो ग्रीन एरिया दिखाकर नक्शा पास करा लेते हैं और आम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। ऐसी कई इमारतें हैं नोएडा में ही जिन्हें देखकर डर लगता है कि कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। सवाल यही कि आखिरकार किसकी शह पर और किन अधिकारियों की शह पर यह इमारतें खड़ी हो जाती हैं अपने मुनाफे के लिए। कौन है जो इन नक्शों को पास करा देता है? आखिर क्यों आम आवाम को समझ नहीं आता कि अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो आपकी आवाज उठाने वाला भी कोई नहीं होगा। जो आपके साथ हो सकता है वो किसी और के साथ भी होता है। सवाल सिर्फ एक दिन या पैसों का नहीं है, सवाल जीवन भर की जमा पूंजी का है, सवाल है जिंदगी का, सवाल है विश्वास का। जरा सोच कर देखिएगा। और अब आखिर में इस प्रोग्राम में कुछ सवालों के साथ आपके जहन में जो सवाल होने चाहिए उसका मैं जिक्र करूंगा। भ्रष्टाचार से बनी इस इमारत से पहले क्या उन लोगों के महले जो महल है, उन लोगों के, मैं अधिकारियों की बात कर रहा हूं, उन लोगों के महल गाड़ियों पर कब्जा किया जाएगा जिसकी वजह से आज इतनी बड़ी बड़ी इमारतें अवैध खड़ी हैं? ऐसे अधिकारियों के ऑफिस कब गिराए जाएंगे जिसमें तसल्ली से बैठकर लोगों की बर्बादी की पूरी दास्तान लिखी जाती है? सवाल उन हुक्मरानों से भी, सवाल नोएडा अथॉरिटी के सीईओ से भी। क्या जैसे आम जनता के पैसे की बर्बादी हुई, उनके महलों में रहने वाले अधिकारी जिनकी शय पर यह इमारत खड़ी हुई, क्या उनकी भी जांच होगी? उनके घर भी धराशायी होंगे? उनके घर पे भी बुलडोजर पहुंचेगा? मैडम ऋतु जी, आपसे ही यह सवाल है, किनकी शह पर यह इमारतें खड़ी हो रही हैं? कौन है इसका जिम्मेदार? क्या आप अपने ऐसे अधिकारियों पर भी गाज गिराएंगी जिनके आश्रय ये महल खड़े हो गए? सवाल बड़ा है और इन्हीं सवालों के साथ छोड़ के जा रहा हूं।